नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई लड़की आपको हमेशा देखती है, आपको देखकर मुस्कुराती भी है, नज़रें भी मिलाती है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आज हमने 600 लाइक्स का टारगेट रखा है, उम्मीद है आप लोग पूरा कर दोगे अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है। दोस्तों अगर कोई लड़की आपको हमेशा देखती है, आपको देखकर मुस्कुराती भी है, नज़रें भी मिलाती है, लेकिन वो आपसे बात इसलिए नहीं करती है क्योंकि लड़कियां कभी भी खुद चलकर आपसे बात करने नहीं आएगी। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, कोई भी लड़की खुद चलकर आपसे बात करने नहीं आएगी। आप कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं जो वो आपसे बात करने आएगी, इसलिए आपको ही लड़की के पास जाना होगा और उससे बात करना होगा। देखो भाई, अगर लड़की आपको हमेशा देखती है, आपको देखकर स्माइल करती है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको थोड़ी थोड़ी लाइक करती है। तो इसलिए अगर आपको उसको पटाना है, उसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो आपको लड़की के पास जाना होगा और उससे बात करना होगा ताकि आप उससे दोस्ती कर पाओ। मैक्सिमम लड़के यहाँ पर भी एक गलती कर देते हैं, वो लड़की के पास चले तो जाते हैं और डायरेक्ट जाकर लड़की को प्रपोज कर डालते हैं, जिसके चलते लड़की उन्हें मना कर देती है। देखो भाई, वो आपको देखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपको थोड़ी बहुत लाइक करती है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर आप जाकर लड़की को डायरेक्ट प्रपोज कर दोगे तो वो आपके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको पहले लड़की का भरोसा जीतना है, उसका एक अच्छा फ्रेंड बनना है, उसका दिल जीतना है, फिर जाकर आपको लड़की को प्रपोज करना है, तब जाकर वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। ऐसे ही मुंह उठाकर लड़की के पास चले जाओगे और उसे प्रपोज करोगे तो वो कभी भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब आप लड़की से बात करने जाओ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करो, और शुरुआत में कभी भी उससे प्यार मोहब्बत की बातें मत करो, उसे प्रपोज मत करो, पहले उससे दोस्ती करो, उसका दिल जीतो, उसका भरोसा जीतो, फिर जाकर उसे प्रपोज करना, तब जाकर वो आपके प्यार को पक्का एक्सेप्ट कर लेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।